वेलकम टू एचएम क्लासेस। एचएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2022 एंड जून 2023, मैथमेटिकल साइंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स एंड लास्ट ईयर रिजल्ट एंड कट ऑफ मार्क्स भी देख रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम अगर जेआरएफ में बात करें, जूनियर रिसर्च फेलोशिप में लास्ट ईयर की जो रिजल्ट गई थी उसमें मैथमेटिकल साइंस में जनरल की 48.38 है, उसका ईडब्ल्यूएस की 42.75 है, ओबीसी में 40.5 है, एससी में 32.38 है, एसटी में 27.13 है और पीडब्ल्यूडी में 25% जेआरएफ की कट ऑफ देखने को मिली थी। अगर हम नेट की कट ऑफ की बात करें तो नेट में जनरल के लिए 43.54, ईडब्ल्यूएस के लिए 38.47, ओबीसी के लिए 36.45, एससी में 29.14 एंड पीडब्ल्यूडी और एसटी के लिए 25 नेट की कट ऑफ देखने को मिली थी, फाइनल रिजल्ट देखने को मिली। इस बार अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें जेआरएफ के लिए तो जनरल की 49 के करीब जाने की उम्मीद है, ईडब्ल्यूएस की 42, ओबीसी की 40, एससी में 33, एसटी में 28 और पीडब्ल्यूडी में 26 है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है। अगर आप इसके जब भी आंसर की रिलीज की जाएगी और रेस्पॉन्स की आपकी रिलीज की जाएगी, आप चेक करके देखना, अगर आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं तो आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। और जो नेट की अगर हम बात करें तो जनरल में 44 तक एक्सपेक्टेड है, ईडब्ल्यूएस में 37, ओबीसी में 36, एससी में 30, एसटी में 25 और पीडब्ल्यूडी में 25। अगर आपके इतने मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं तो आप 100% मैथमेटिकल साइंस में नेट क्वालिफाई कर जाएंगे। जैसे ही आंसर किए और रेस्पॉन्स शीट रिलीज कर जाएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल पर नया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।